हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि एक सवाल आया था, कमेंट्स आया था कि उनका वीज़ा अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, इनवैलिड शो हो रहा है कि अगर रिजेक्शन शो हो रहा है, अप्रूवल शो हो रहा है, पेंडिंग शो हो रहा है, तो कहाँ तक की प्रोसेस सच होती है उसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ तक की जॉब लेना चाहते हो जहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपये तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी, फ्री वैकेंसीज़ भी मेरे चैनल पर आती रहती है, तो आप जाके देख सकते हैं। फ्री वैकेंसी मोस्टली ओमान, कतार, मिडिल ईस्ट के ऊपर होती है, जो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 50,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। एक्सपीरियंस बेस है तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो आज का जो सवाल है कि भाई सिंगापुर में इनवैलिड आ रहा है। डलजा सिंह का जो थंबनेल से आपने देखा होगा, उन्होंने पता कि सर मेरा जो उनका एप्लीकेशन स्टेटस उन्होंने 2 बार डाला और स्टेटस इनवैलिड आ रहा है, तो क्या ये वीज़ा अप्लाई हुआ है या नहीं, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि क्या पता एजेंट इनवैलिड आ रहा है तो भाई वीज़ा अप्लाई हो, क्यों उन्होंने ये भी पूछा है कि 2 बार इनवैलिड आ रहा है, 2 बार चेक करा, 2 इनवैलिड आ रहा है, फिर वो अप्लाई कितनी देर बाद कर सकते हैं। तो देखो ऐसा है, अगर आप सिंगापुर का वर्क परमिट अप्लाई करवा रहे हो, मीन्स आप तो खुद करने कर सकते नहीं हो, किसी ने अप्लाई करा है, तो अप्लाई करा है जब आपका जो वर्क परमिट एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, 3 से आप चेक कर सकते हो। ये 3 तरीके होते हैं। अब जो वेबसाइट है वो www.mom की वेबसाइट, आप गूगल पर डालोगे फ्रंट पेज पर आ जाएगी। अब जो डलजोत सिंह ने बोला है कि उन्होंने 2 बार एप्लीकेशन, मीन्स उनकी 2 बार लगाई है फाइल, ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन जो स्टेटस शो हो रहा है, उन्होंने जब www.mom की वेबसाइट में चेक करा तो स्टेटस शो हो रहा है इनवैलिड। अब बात करते हैं क्या रियल में वीज़ा अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी देखो जैसे आप सिंगापुर की जॉब के लिए ट्राई करते हैं, आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू करते हैं, तो आपका एजेंसीज़ किसी एम्प्लॉयर को ढूंढता है, फिर आप दोनों का मैच मिक्सिंग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मैच मिक्सिंग हो जाता है उसके बाद एम्प्लॉयर फाइल लगाता है, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, विद इन 14 वर्किंग डेज में रिजल्ट आता है। अब अगर आपका एप्लीकेशन लगा है, सुनना ढंग से बात, अगर आपका एप्लीकेशन लगा है तो आप अप्लाई जब आज लगा है तो आज चेक कर, तो शो स्टेटस दिखाएगा प्रोसेसिंग या पेंडिंग, ठीक है, ये सुनना, अब पेंडिंग या प्रोसेसिंग दिखाएगी, आपका एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में है। जब रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पर इनवैलिड कभी नहीं आता है, या तो रिजेक्टेड आएगा या अप्रूव्ड आएगा, 2 वर्ड बता रहा हूँ, रिजेक्टेड या अप्रूव्ड। अगर इनवैलिड शो दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन लगी ही नहीं है, यानी आप MOM की वेबसाइट में आप अपना चेक योर स्टेटस डाल रहे हो, पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ, तो भाई वो इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि आपका वीज़ा वहाँ पर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। तो भाई इस चीज़ को भी समझो। तो अंतर क्या क्या है, जब आपका एप्लीकेशन लग जाता है तो जब अगर लगा है तो पहला प्रोसेसिंग दिखाएगा, 14 वर्किंग डेज के बाद आपको रिजेक्ट या अप्रूवल दिखाएगा, इनवैलिड तब दिखाएगा जब आपकी कोई फाइल लगी ही नहीं है। तो इस चीज़ को रियलिटी है, समझ लो। अब बात करते हैं, उन्होंने ये पूछा कि सर 2 बार इनवैलिड दिखा चुका, कितने दिनों बाद, तो भाई जिस दिन आप अप्लाई करोगे वहाँ पर, जैसे आप किसी एजेंसीज के द्वारा अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो उनसे बोला एप्लीकेशन नंबर से मैं चेक करूँ, आज एप्लीकेशन लगी है तो भाई 14 वर्किंग डेज में रिजल्ट आएगा, लेकिन आज एप्लीकेशन लगी मैंने चेक रहा है तो वहां पर प्रोसेसिंग दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो जो इनवैलिड दिख रहा है इसका मतलब आपकी फाइल लगी ही नहीं है, तो अपने एजेंट से बात करो और आगे की प्रोसेस पूरी करो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।